देखिए, ये हमारे चैनल पे पहली ऐसी टेक्निकल वीडियो है, तो जरा भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। नमस्कार जी, आई होप सब कुशल मंगल होगा जी। हमारे काम से प्रसन्न होके एप्पल की तरफ से आया है ये नया फोन iPhone 15 Pro Max, और उससे पहले आप इनसे मिलिए, ये है iPhone 12 Mini। की हालत से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी बेरहमी से हमने इनका इस्तेमाल किया है। इस फोन से पिछले 2 साल में हमने कई वीडियोस और फोटोज खींची हैं। एक आम आदमी की क्या जरूरतें हो सकती है एक फोन को लेकर, फास्ट हो, हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम बिना किसी रुकावट के खेले जा सके। हाँ, मतलब एक शब्द में कहें तो ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ये तो iPhone 15 Pro Max में है A17 Pro चिप विद 6 core GPU, अभी तक के एप्पल के इतिहास में वन ऑफ द फास्टेस्ट GPU, ताकि गेम में ग्राफिक्स आपको रियल वर्ल्ड वाली फील दे। और सिर्फ यही नहीं, अब मेरे फोन में हाई क्वालिटी वीडियोस विद हैवी स्टोरेज फाइल्स को एडिट करने की क्षमता आ चुकी है। मेरा नाम वरुण है और मैं म्यूजिक प्रोडक्शन काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। इट्स बिन 10 साल प्लस हो चुके हैं सब करते करते। अगर पुराने आईफोन के मॉडल से भी कंपेयर करूँ इस चीज़ को, तो डेफिनेटली स्मूथनेस और फाइल्स जैसे मैं ड्रॉप कर रहा था, ड्रैग कर रहा था, और फिर सारे इंस्ट्रूमेंट जो मैं प्ले कर रहा था एट द सेम टाइम, डेफिनेटली मेरे को एक स्पीड दिखी, मेरा फ्लो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ चीज़ यूज़ करते। अगर मैं रॉ पिक्चर्स का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो दे आर बिग फाइल्स, तो इट नीड्स अ पावरफुल डिवाइस कि वो फ़ोन अच्छे से फंक्शन करे और मैं एफिशिएंटली उसको एडिट कर पाऊँ। कैमरा के फीचर में अगर मैं वीडियो की बात करूँ, तो ProRes एक फीचर है, इट गिव्स अ वेरी हैवी आउटपुट फाइल। इसका मतलब द फोन नीड्स टू बी पावरफुल, मतलब इट्स इन GBs। तो अगर फ़ोन पावरफुल नहीं होगा, अगर फ़ोन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, तो वो इतना हैवी फाइल मैनेज ही नहीं कर सकता है। डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं अपने मिडी कीबोर्ड से, और पूरे गैराज बैंड में पूरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आई कैन कनेक्ट इजीली, रिकॉर्ड फाइल्स ऑन द गो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कन्वीनियंस प्लेस आउट, अगर आप कुछ भी करने का ट्राई करो लाइफ में, आपको दिमाग में आइडिया क्रिएट होता है, आपको अपने डिवाइसेस में डालना है उन चीज़ों को, तो उसमें ना फ्रिक्शन जितना कम हो, जितना आपको एफर्ट कम लगे वो आइडिया ट्रांसफ़र करने में, यू नो, वो उतना अच्छा रहता है आपके लिए एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। टाइप सी आई थिंक इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर, बिकॉज you can directly connect it to a monitor and you can edit directly in games as well. अब मेरा वर्कफ्लो पहले के मुकाबले 2 कदम आगे बढ़ चुका है। अब डायरेक्टली USB-C पोर्ट से मैं अपना SSD कनेक्ट करके जल्द से जल्द फोन में एडिट कर सकता हूँ। पर ये फीचर गलती से भी मेरे किसी क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए। जब हजारों किलोमीटर की रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट आसमान को चीरता हुआ स्पेस की तरफ आगे बढ़ता है, तो कई मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसके आउटर बॉडी को टाइटेनियम से बनाया जाता है। सही समझे, iPhone 15 Pro Max की बॉडी में टाइटेनियम का यूज हुआ है, जो सिर्फ एक्सट्रीम हीट टॉलरेंट ही नहीं, बल्कि पिछले iPhone सीरीज के कंपैरिजन में लाइट वेट भी है। इस बार डिजाइन में आपको मिलता है कर्व्ड एजेस फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्रिप। और आउटडोर में भी हम बैठे हुए थे आराम से पार्क में, और पार्क में भी बैठ के गेम खेल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। 2000 nits का आई थिंक इसका पीक ब्राइटनेस है, और इतना अच्छा से दिखता है सब कुछ, प्रोडक्शन हो, गेमिंग हो, ऑन द गो लाइफस्टाइल फोटोग्राफी हो। 13 इसके सामने मेरे को भारी लगता है, इतना लाइट सा फ़ोन है, और इवन दो इसका स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट वो फील नहीं होता कि इसका वेट ऐसा कुछ भी है। 2000 निट्स डिस्प्ले के साथ अब आप भारी दोपहर में भी अपना फोन यूज कर सकते हैं। iPhone 15 Pro Max में आपको मिल जाता है 6.7 इंच का डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट।
जैसा कि इसके नाम से एक आइडिया होता है कि इसे दबाने पर कुछ एक्शन होता होगा। मुझे तो लगता है ये फीचर मेरे बड़े काम आने वाला है। सिर्फ एक बटन के क्लिक से मैं अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तस्वीरों से बड़ा लगाव है, तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हम इसे कैमरा मोड पे सेट कर देते हैं, और वहीं जब एडिट करते वक्त मेरी प्रायोरिटी काम पर फोकस करने की होती है तो मैं इसे फोकस मोड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, बट मेरे लिए एक्शन बटन तो बहुत यूजफुल है। जैसे मैंने अपना एक्शन बटन अगर मैं सेट करूँगी तो आई विल सेट इट टू कैमरा। मुझे कुछ भी दिखेगा इंस्टेंटली मैं कैमरा खोल के कैप्चर कर सकती हूँ। ये नहीं कि मुझे मल्टीपल टैप्स करके पासवर्ड देके फेस आईडी देके मुझे फिर कैमरा खोलना पड़ रहा है। उसने में मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। हर क्लास में आपने देखा होगा एक महाशय होते हैं जो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। मास्टर जी जैसे ही किसी प्रोजेक्ट पे काम करने देते हैं, ये भाई साहब हमेशा अगले ही दिन काम कंप्लीट करके ले आते हैं। काम तो अप टू डेट रहता है पर थोड़ी परफेक्शन की कमी रह जाती है। पर वहीं एक छात्र थोड़ा वक्त लेके प्रोजेक्ट को परफेक्शन के साथ कम्प्लीट करता है। जी हाँ, उसी परफेक्शन का नाम है एप्पल। फॉर मी कैमरा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड आई थिंक वीडियोज के लिए आईफोन्स आर द बेस्ट। Like nothing beats it. मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स ट्राई किए हैं कैमरा से। The colors are so well balanced. मतलब मैंने कैमरा से भी यूज़ किया है और फिर आईफोन का भी कैमरा यूज़ किया है। मतलब something that can actually give a competition. 48 यानी 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आप कैप्चर कर सकते हैं थोड़े और ज्यादा डिटेल्स और कलर्स, ताकि प्रायोरिटी के हिसाब से आप बिना डिटेल्स को मिस करें आप उसे क्रॉप कर पाए। और इस बार आईफोन 15 प्रो मैक्स आया है 5x ऑप्टिकल जूम फीचर के साथ। इस 5x फीचर को मैं अपने ट्रैवल वीडियोस में जरूर यूज करना चाहूंगा। हमने आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के कुछ तस्वीरें ली, जरा आप गौर फरमाइएगा। मस्त फोटोज आई है ना यार। फोटोज तो सही है बट इनको पोर्ट्रेट में क्यों नहीं लिए हो भाई? इसमें ना नया फीचर आया है कि आप बाद में ना पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये पहले से ही रिकॉग्निशन कर लेता है कि कौन सा पोर्ट्रेट है और फिर अपने हिसाब से अपर्चर सेलेक्ट कर सकते हो। मस्त चीज है ना। हाँ यार, नया फीचर है। हाँ, कुछ तो बात है इन भाई साहब में। एकदम स्वाद अनुसार शार्पनेस है, ना कम ना ज्यादा। लाइट एंड शेडो परफेक्शन इतनी बेमिसाल कि इसका पोर्ट्रेट मोड का फीचर सीधे महंगे DSLR को टक्कर देने में सक्षम है। और कहीं ना कहीं इसकी वीडियो स्टेबलाइजेशन, फोटो वीडियो क्वालिटी और स्किन टोन शार्पनेस बैलेंस इसके परफेक्शन को दर्शाता है। मैंने अभी कुछ पिक्चर्स 5x से खींची जो इस फोन में आया है, और 120mm का फोकल लेंथ है। कुछ अगर कोई मुझे दो पिक्चर सामने रख देगा ना, एक DSLR और इसका, मैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाई। लगभग सुबह सनराइज से लेकर शाम होने तक मैंने इस आईफोन को तस्वीरें खींचने के लिए यूज किया, तो पिछले आईफोन सीरीज के मुकाबले मुझे इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा इम्प्रूव लगी। 4422 mAh बैटरी के साथ ये आईफोन की सीरीज काफी बेहतर है। और पता नहीं क्यों हर बार इसके कैमरा परफॉर्मेंस को देखकर मुझे एक शायरी याद आती। अब क्या लिखूं तेरी तारीफ में हमदम, तेरे कैमरा फीचर्स को देखकर लफ्ज कम पड़ जाते हैं।